मतलब बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो इम्प्रेस हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, तुम्हारी क्रश ने तो कभी नहीं बात की तुमसे, फिर भी तुम उससे इम्प्रेस हुए ना, तो तुमसे भी हो जाएंगे सब लोग इम्प्रेस, तुम मत बात करना आप किसी से। मजाक कर रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखो तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. और यहीं कहीं पर मेरा होगा Instagram और Facebook यूज़र नेम। अगर आप Facebook पे हो तो वहाँ पे फॉलो करो, Instagram पे हो तो वहाँ पे करो, आपको मेरे बारे में और भी जानने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बोलती हूँ, बट रियल लाइफ में मैं बहुत बोलती हूँ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलती हूँ। तो फॉलो मी देट एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई वाई टी फैम यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। Click here to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. Number one, आपका amazing walk उन्हें impressive लग सकता है। बात नहीं होती है उनसे पर वो देख तो सकती है ना, you're not invisible, so pay attention to your walk। और कैसे चलो ये मैं नहीं बता सकती, वो आप देख लेना। Number two, clothes is just something you put on to cover yourself. Fashion is a way to communicate. बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगने की ज़रूरत नहीं है, एक्टर्स के जैसे पैसे नहीं मिलेंगे आपको अच्छे दिखने के, लेकिन आपने जो भी पहना है वो आपकी पर्सनैलिटी में इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने धोती पहनी, विच इज़ अ गुड अटायर, आजकल रेडीमेड भी आने लगी है क्योंकि पहनना नहीं आता है किसी को। आपने पहनी तो पता है क्या लगेगा, कि पंडित का बेटा है या किसी पूजा से आया है, जो कि बुरा इम्प्रेशन नहीं है लेकिन रॉन्ग इम्प्रेशन हुआ ना, रॉन्ग अजम्पशन हुआ, क्योंकि ना तो तुम पंडित के बेटे हो ना ही तुम पूजा में गए थे। ये एकदम एक्सट्रीम वाला एग्जांपल हो गया, लेकिन हर एक आउटफिट जो भी आप पहनते हो वो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। नंबर थ्री, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परसुइंग एंड बींग नीडी। नीडीनेस आपके बिहेवियर में तब आ जाता है जब आप खुद को उस आउटकम से अटैच कर लेते हो, मतलब मंजिल पे ध्यान है लेकिन रास्ते से कोई मतलब नहीं। दिस इज़ नॉट हाउ इमोशंस आर गोइंग टू वर्क। जब रिजल्ट का लालच आ जाता है तो प्रोसेस का पेशेंस नहीं रह जाता। आप उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रही है इम्प्रेस, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उसे कह दिया कि यार कितना भाव खा रही हो, देयर यू लूज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसे इम्प्रेस करना नहीं चाह रहे थे, तुम उसे इम्प्रेस्ड देखना चाह रहे थे और वो नहीं दिखी तो तुम इम्पेशेंट हो गए। इसलिए खुद को रिजल्ट से अटैच मत करो, फ्लो में जैसी चीज़ें हो रही है होनी तो फास्ट फॉरवर्ड मत करो। नंबर फोर, मेक वुमेन चेज यू। ये तभी होता है जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करते हो। योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट बेटर बाय चेंज। किसी ने मुझसे कमेंट में कहा कि आप इतने एफर्ट्स करने के लिए कहती हो कि इतने एफर्ट्स करने होंगे, पर ट्रू लव तो एफर्टलेस होता है। मैंने कहा हाँ, एफर्टलेस होता है उनके लिए जिनको अपने आप प्यार हो जाता है, जैसे आपको हो जाएगा अपने आप प्यार, फिर आप बोलोगे कि मेरा ट्रू लव है, एक्सेप्ट कर लो, फिर वो बोलेगी कि नहीं तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल जाएगा, तब बुरा लगेगा ना। बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद पे वर्क करो, खुद पे फोकस करो, गर्ल्स पे फोकस मत करो, खुद पे फोकस करो, ताकि फ्यूचर में जब आपको किसी से ट्रू लव हो तो वो आपका प्रपोजल ये कहकर रिजेक्ट ना कर दे कि तुम मेरे लायक नहीं हो। एनीवे, बिकॉज इट्स पॉइंट नंबर फोर, मेक वुमेन चेज यू, तो यहाँ पे आपको उन्हें प्रपोज नहीं करना है, आपको बस ये जताना है कि आप बहुत खुश हो जाओगे अगर वो आपकी पार्टनर बनी, लेकिन इफ नहीं बनी तो भी आप ओके हो। बस यहीं से उनका मन करेगा कि वो आपकी ज़िंदगी में रहे, आपकी खुशी का कारण बने, बिकॉज यू विल नेवर बेग फॉर हर लव। तो उनका मन करेगा कि वो आपको प्यार दे, बिकॉज आप उसके लायक हो, लेकिन आप उसके लिए कभी ऐसे बोलोगे नहीं कि आई वॉन्ट योर लव या आप मुझे तुम चाहिए टाइप का नहीं बोलोगे। तो और बिना बात किए इम्प्रेस करना है तो यू हैव टू यूज़ योर फेशियल एक्सप्रेशन, कभी मुस्कुरा दो, मेक फनी फेसेस उनको हंसाने के लिए, कभी उनको चढ़ा दो, कभी उनके एक्सप्रेशन कॉपी कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। और बस उसके पहले ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, फिर मैं बताऊँगी कि मुझे आपका कमेंट कैसा लगा। लव यू ऑल, बाय बाय।